चावल तीन बार घुमा देवा मेरे बाद भी तो लोग कहा था मधुर आई जाए मधुरा इधर बोले ना मधुरा इधर मुझसे बाने ना इधर अब बोले जय बोले ना ना बोले भारत माता की भारत माता की महाराजा सुहेल देव मर रहे हैं बोला महाराजा सुहेल देव मर रहे हैं महाराजा सुहेल देव मर रहे हैं। मित्रों अभी हमारे अध्यक्ष जी उपस्थित यहाँ जिनके प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित हमारे मंडल के उपाध्यक्ष जी सेक्टर संयोजक जी दिनेश जी उपस्थित सभी मंचासीन जितनी हमारी अभी माता जी यहाँ बैठ रही थी तो भी इनको मैं जानबूझ के यहाँ बैठाया हूँ। देखिए अभी मैं बताऊंगा आगे जब बातें आएंगी तो मैं बताऊंगा कि देश जब आजाद हुआ और तब से अभी इधर विगत 7 सालों में जो परिवर्तन आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए मैं आया हूँ। अभी 5-6 महीने बाद चुनाव का अवसर है जिसको जहां वोट देना होगा देगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए हमारे समाज के लिए पिछड़े लोगों के लिए दलितों के लिए शोषितों के लिए क्या किया वो मैं यहां आपको बताने आया हूं। मेरे मित्रों अभी हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे बहुत शॉर्ट में सारी कीमती बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी बता रहे थे कि योजनाएं सरकार दे रही है और मैं कह रहा हूं योजनाएं 70 सालों से चल रही है सही है ना बुजुर्ग लोग बैठे हुए दादा भी अध्यक्षता कर रहे हैं उनको भी जानकारी होगी 70 वर्षों से योजनाएं चल रही थी लेकिन कभी राजभर समाज को योजना छू के नहीं जाती। 70 साल से देश आजाद हुआ कभी राजभर समाज को आजादी छू के नहीं जाती। 70 सालों से देश 70 साल से ऊपर हो गया आजादी को लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कभी देश की पंचायतों में राजभर समाज नहीं पहुंचता था। 70 साल से ऊपर हो गया आजादी को लेकिन ऐसी माताएं बहनें यहां करके यहां कुर्सी पर बैठने का काम नहीं करती थी। मेरे मित्रों मैं आपको बताने आया हूं मजदूरी करना सब्जी बेचना ये ईमानदारी का काम है इस देश के मजबूत करने में आप सभी का योगदान है लेकिन जितने भी सरकारें रही क्या राजभर समाज को सम्मान दे पाई। सरकारें बहुत आई कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही वोट भी आपका लेती थी लेकिन आपको पूछने कभी आपके द्वार तक नहीं आती थी। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकारें रही लेकिन किसी राजभर परिवार को बढ़ाने का काम सपा ने नहीं किया। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही लेकिन आपको पूछने का काम किसी ने नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो गांव का गरीब हो गांव का किसान हो गांव का मजदूर हो या फिर सब्जी बेचने वाले का बेटा विजय राजभर हो उसको भी सम्मान देने का काम और असेंबली में पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी का। ये मैं पहला उदाहरण नहीं अभी आप ही के जिले के हमारे सांसद हुआ करते थे हरिनारायण राजभर वो भी एक गरीब किसान का बेटा था उसको भी उठा करके लोकसभा जैसी बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरे मित्रों अब ये सिलसिला यहां रुकता नहीं है आपकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर अभी भी कमी भारतीय जनता पार्टी ने पाया और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जो राज्यसभा कही जाती है हमें लगता है कि कई राज्य बस्तियों में राज्यसभा नाम तक नहीं जानते होंगे लोग बड़ी पंचायत में चक्रदीप राजभर जैसा एक गरीब परिवार का किसान का बेटा जाने का काम करता है और वो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि ये चुनाव का समय भी 4-5 महीने बाद आएगा और तमाम सारी पार्टियां आएंगी और वही पार्टियां जो आप सभी लोगों को ठगती रही आप सभी लोगों को गरियाती रही आप सभी लोगों को योजनाओं से दूर करती रही वो सारी पार्टियां आएंगी अपना अपना टपरी बजाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि ये सरकारें देश जब से आजाद हुआ तब से राजभर समाज को पूछने का काम कोई नहीं किया। सरकार की जितनी योजनाएं चलती थी उन योजनाओं से लाभान्वित करने का सरकारों को मौका नहीं था। राजभर समाज को ना आवास मिलता था ना पेंशन मिलता था ना शौचालय मिलता था किसी प्रकार की कोई योजना नहीं मिलती थी। लेकिन क्या परिवर्तन आ गया क्या मजबूरी आ गई कि राजभर समाज को खोज खोज के सारी चीजें मिलने लगी। राजभर समाज का बेटा विधायक होने लगा राजभर समाज का बेटा जिला पंचायत होने लगा राजभर समाज का बेटा सांसद होने लगा और राजभर समाज का बेटा जाके मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में होने लगा। आखिर में क्या मजबूरी आ गई तो वो मजबूरी कोई और नहीं थी वो वही विचारधारा थी जो इस समय सरकार में है और वही विचारधारा है जो 1000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव के नाम से इस देश में पनपी हुई थी वही विचारधारा लेकर के हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है। मेरे मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वही विचारधारा से ओतप्रोत है
जो महाराजा सुहेलदेव अपनी विचारधारा से इस देश के हिंदू समाज के इस देश के गरीब महिलाओं को शोषितों को वंचितों को जिन्होंने बचाने का काम किया था, जो मुगलों से लड़े थे, हमारी माताओं को हमारी बहनों को यहाँ के रहने वाले समस्त हिंदू लोगों को बचाने का काम किया था, उस विचारधारा से उद्भूत होकर हमारी पार्टी यहाँ आई है और तब जाकर के राजभर समाज को सम्मान देने का काम किया, राजभर समाज को बसाने का काम किया, राजभर समाज को बचाने का काम किया, राजभर समाज को संरक्षित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरे मित्रों, मुझे कहना है बहुत सारे लोग आएंगे महाराजा सुहेलदेव के नाम पे टपली बजा के चले जाएंगे, लेकिन जरा बताइए बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन हुआ होगा, लेकिन जरा बताइए कि सरकार में आने का काम विधायक बनाने का काम किसने किया? यही गरीब परिवार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन आज जरा बता दीजिए जो बार बार हमें ठगते रहे हैं, जो बार बार हमें योजनाओं से दूर ले जाते रहे हैं, जो बार बार एहसास कराते रहे हैं कि राजभर समाज कभी आगे नहीं जा पाएगा, उन्हीं लोगों के साथ जाकर गठबंधन करने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, तो सोचना समझना आपको है, पहचानना आपको है, ऐसे लोगों को जानना आपको है। आप जरा जानिएगा, आप पहचानिएगा। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, और एक वोट है वो वोट की बटन आप दबाते हैं, एक बटन दबाते हैं तो कितने फायदे होते हैं उसको जरा सोचिएगा। आज से 7 साल पहले अगर आपने बटन दबाई होगी, मुहर मारी होगी, तो आपको क्या मिला? आज से 10 साल पहले आपने बटन दबाई, आपने मुहर मारा, तो आपको क्या मिला? लेकिन आज से 7 साल पहले आपने बटन दबाई, आपने मुहर मारा, तो आपको क्या मिला? मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊंगा। आपको भी ध्यान होगा कि आज से 7 साल पहले अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, पूछिएगा, 7 साल पहले जो सरकारें बनती थी, 20 साल पहले जो सरकारें बनती थी, आपने वोट दिया तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन 7 साल पहले अगर आपने वोट दिया तो मैं संपूर्ण राजभर को तो नहीं कह सकता, लेकिन किन्हीं न किन्हीं राजभर परिवारों के जिनके सर पे मड़ई था, वो पक्का मकान बनने का काम हुआ इस सरकार में हुआ। मेरे मित्रों, वही एक वोट का कमाल था। आपने एक वोट एक बटन दबाया था कमल की, और आपको क्या मिला? आपके घरों में शौचालय बनने का काम हुआ। आपने एक बटन दबाया कमल का, आपके घर में उज्ज्वला जैसे गैस एजेंसी मिलने का, गैस सिलेंडर मिलने का काम हुआ। मित्रों, आपने एक कमल के बटन को दबाया होगा, आपके घरों में वृद्धा मिला, विकलांग पेंशन मिला। आपने एक कमल के बटन को दबाया होगा तो आपके घरों में किसान सम्मान निधि पहुंची होगी। मेरे मित्रों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपकी एक के एक कमल की बटन दबेगी तो जाकर के घरों में आयुष्मान कार्ड पहुंचेगा। इन्हीं गरीबों की योजना ये चल रही है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीबों के लिए है, शोषितों के लिए है, वंचितों के लिए है, और हमारी सरकारें अगर लंबे समय तक रहेंगी तो हमारे जितने भी लोग हैं जो गरीब और शोषित वंचित हैं, जिनके सरों पे आज भी जो मड़ई है टाटी है, उसको पक्का लिंटर मकान बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। आपका वो कीमती वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि हमारे एक वोट देने से क्या होगा। आपके एक वोट देने से एक ईमानदार सरकार बनती है, आपके एक वोट देने से ईमानदार सरकार काम करती है, आपके एक वोट देने से किसी न किसी गरीब परिवार को छत मिलता है, आपके एक वोट देने से किसी न किसी घर में शौचालय बनता है, आपके एक वोट देने से किसी न किसी बिन बाप की बेटी को जिसके सर पे किसी का छाया नहीं रहता है, ऐसी बेटियों को सामूहिक विवाह में शादी होती है। आपके एक वोट देने से बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे लोगों को मिलता है। मेरे मित्रों, इसलिए वोट को बहुत संभाल के देने की जरूरत है। यही बात मैं आपको बताने आया हूं। इधर उधर बहुत लोग बहलाने फुसलाने आएंगे, लेकिन आप बहुत सारे लोगों की बातों मत आइएगा, इधर उधर की बातों में मत आइएगा, इधर उधर की बातों को जाइएगा भूल, और सिर्फ याद रखिएगा 2022 में कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। मेरे मित्रों, यही बात कहकर जब आप बुलाएंगे, जब चाहेंगे मैं आ जाऊंगा। और जानकारी के लिए मैं एक और बात बता देता हूं, मैं आपके घर का यहाँ का मैं रिश्तेदार भी हूँ। जानकारी है ना कुलजा लिखे, तो देखा हम तो हम लोग रिश्तेदार भी हैं, तो हम लोग झूठ बोल के हम कहीं भाग नहीं पाए, ठीक ना? जब चाहो लोग तब बुला लो, जब चाहो ऐसा रिश्तेदारी हमारे। इसीलिए मैं आपको समझाने आया हूँ। बहुत सारे लोग जज्बातों में आकर के लोगों के नेताओं की बातों में आ जाते हैं। मैं भी कहता हूँ आप हमारे पीछे मत चलिए, लेकिन आप समीक्षा जरूर करिए कि सरकारों ने क्या किया, जितनी बात मैं बताया हूँ। अगर कहीं से मैं गलत हूँ तो मुझको बुला करके आप मुझसे जवाब भी ले सकते हैं, आप डिबेट भी कर सकते हैं। इतना मैं सक्षम हूँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बातों को देता हूँ विराम। बोले जय जय श्री राम।